तो हमारी जो डेटा स्ट्रक्चर हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे वो लिस्ट डेटा टाइप है। हमने ये देखा कि एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है और हमने नए एलिमेंट्स को ऐड करना भी सीखा है। बेसिकली तो आपके पास लिस्ट के अंदर अपेंड मेथड होती है, इंसर्ट मेथड होती है और हमारे पास एक्सटेंड मेथड होती है। ये हमने देखा। रिमूव एलिमेंट्स के लिए हमारे पास रिमूव मेथड होती है जो कि हम स्पेसिफिक किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से अगर एलिमेंट रिमूव करना है तो पॉप मेथड है। पॉप मेथड में अगर आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो उस केस में वो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। ठीक है, ये हमने देखा। उसके साथ साथ रिमूव करने के लिए डेल कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। पूरी लिस्ट को क्लियर करने के लिए क्लियर मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट, लिस्ट में एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को जो है नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि लूप लिस्ट। तो किसी भी लिस्ट पर क्या आप इटरेट कर सकते हैं? सो द क्वेश्चन इज दैट आर द लिस्ट डेटा टाइप इज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट और नॉट? कैन वी इटरेट ओवर अ लिस्ट? यस, वी कैन इटरेट। एंड हाउ यू कैन इटरेट ओवर अ लिस्ट? विद द हेल्प ऑफ फॉर इन कंस्ट्रक्ट, फॉर इन लूप कंस्ट्रक्ट। तो फॉर सिंगुलर इन प्लूरल, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। इस दिस लिस्ट को मैं इसको बोल देता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, फॉर सिंगुलर इन प्लूरल। ये आपने फॉर्मूला लिया और यहाँ से आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर ले। ये पैटर्न मैं फॉलो, पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ ताकि मुझे स्ट्रक्चर मुझे नीट एंड क्लीन और समझ में आता है। बेसिकली थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, तो जूम आउट करने पर सर इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से आप अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट पर आप क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। सो वी कैन इटरेट ओवर अ लिस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर इन लूप कंस्ट्रक्ट। सो फॉर इन जो लूप कंस्ट्रक्ट है उसके थ्रू आप किसी भी लिस्ट पर इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप कर सकते हैं। अब लूप थ्रू द इंडेक्स नंबर, यू कैन ऑल्सो लूप थ्रू द लिस्ट आइटम बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर पर भी इटरेट कर सकते हैं। सो मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल क्या करेगा, प्रिंट ऑल आइटम्स बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स नंबर। अगर किसी इंडेक्स नंबर को हम रेफर करके भी उस पर इटरेट कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में क्या होगा, देखिए मेरे पास एक एक लिस्ट है जिसमें थ्री फ्रूट्स हैं बेसिकली, और मैं फॉर लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ कर रहा हूँ बट यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आपके पास रेंज फंक्शन है और रेंज में आप एक ही पैरामीटर अगर पास करते हो तो वो स्टॉप वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर फॉर इन और यहाँ पर रेंज में आपके पास स्टॉप वैल्यू कुछ भी आ रहा है तो आपका इंडेक्स नंबर कैसे चालू होगा, फिर जीरो से चालू होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं रेंज ना देते हुए यहाँ पर हार्ड कोडेड अगर थ्री दे दूँ तो क्या हम इस पे इटरेट कर सकते हैं, क्या देखते हैं। सो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर हम इसको जेड किया और रेंज फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पर इटरेट कर सकते हैं। उसके अंदर लेंथ फंक्शन मैंने सप्लाई किया और लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट की आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी का अगर डिटेल आउटपुट आपको चाहिए तो पहले ही आप प्रिंट करवा लो ऊपर, और यहाँ पर ये लेंथ फंक्शन जो है ये लेंथ डिफाइन कर देगा। यहाँ से मैंने लेंथ पता कर लिया, ये देखिए लेंथ इसने बता दी कि थ्री एलिमेंट्स है।
और लेंथ फंक्शन को भी अगर आज आप जो है रेंज फंक्शन में सप्लाई कर देते हैं तो वो आपको क्या आउटपुट देता है। तो इसने एक रेंज फंक्शन यहां पर क्रिएट कर दिया 0 to 3। तो 0 to 3 ये रेंज फंक्शन यहां पर डिफाइन कर दिया, और यही 0 to 3 रेंज फंक्शन आपने फॉर लूप कंस्ट्रक्ट के अंदर सप्लाई कर दिया, और इंडेक्स नंबर के थ्रू भी आप लूप चला सकते हैं। यहां पर देखिए एप्पल बनाना एंड चेरी, ये इसी तरीके से यहां पर लूप हो गया है। द इटरेबल क्रिएटेड इन द एग्जाम्पल अबव इज 0, 1 एंड 2। ये इटरेबल्स क्रिएट हुए हैं। फर्स्ट जो इटरेबल क्रिएट होगा उसका आप आउटपुट इसी को मैं इंटर किया, और यहां पर मैं प्रिंट और किसको करवा देता हूँ, आई को प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आई को प्रिंट करवाया एंड देन क्लिक किया। पहले इंडेक्स नंबर आएगा, उसके बाद देखो पहले क्या आ रहा है, इंडेक्स नंबर 0, 0 पे कौन बिलोंग करता है, एप्पल। फिर लूप चला, सेकेंड टाइम लूप का इटरेशन सेकेंड टाइम हुआ, फिर हमारा वन इंडेक्स पर फिर मैंने एलिमेंट को रेफर कर लिया, वन इंडेक्स पे कौन है बनाना, एंड टू इंडेक्स पर हमारा क्या है फिर चेरी। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। यूजिंग अ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के थ्रू भी आप यहाँ पर चला सकते हैं। यू कैन लूप थ्रू द लिस्ट आइटम बाय यूजिंग अ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। सो व्हाइल लूप का सिंटेक्स, व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो हमारे पास क्या क्या सिंटेक्स होता है, जनरली हमारे पास व्हाइल लूप का जो है, व्हाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है, यहाँ पर आती है आपकी कंडीशन एंड देन यहाँ पर आते हैं स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, जो भी है आपके, और सेमीकॉलन्स नहीं आएंगे पाइथन के केस में, ठीक है। सो व्हाइल एंड उसके बाद हम कंडीशन यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप चलाया है और आई लेस देन और इक्वल टू अगर 10 करूं, तो यहां पर जो है आपको एक इनिशियल आई को 0 से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको ये बोलना पड़ेगा इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड देन आपको यहां से इसको आई प्लस प्लस, ठीक है। यहां पर आप आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिखा, और या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट भी यहां पर आप लिख सकते हैं। सो यहां पर जो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सो ये हमारा क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर हमारा इटरेशन चलेगा तो आई पर क्या आया 0। क्या 0 10 या 10 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप कभी नहीं चल पाएगा। दैट्स व्हाई हमारे लॉजिक को उल्टा लिखना पड़ेगा। सो आई लेस देन और इक्वल टू 10, इनिशियली आई कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 10 इज द कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू। देन अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स होंगे, तो यहां पर हमारा जो भी स्टेटमेंट होगा वो हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या किया है, कंडीशन में एक आई का वैल्यू मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद मेरी लिस्ट पर जितने भी एलिमेंट्स है वहां पर हम इनको इटरेट करवा सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को मैं रिमूव करूंगा, और मैं रैंडमली आपको टास्क दे रहा हूं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, नंदिनी, साफिया एंड विजय, तीनों स्टूडेंट्स को मुझे ग्रीट करना है, तो लूप चलाना है, डेफिनेटली लूप चला के मैं ग्रीट कर सकता हूँ। मुझे जो ग्रीट करना है वो वाइल लूप के थ्रू करना है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सर आप लिस्ट बनाइए, ये हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर आप स्टूडेंट्स को स्टोर कीजिए, ये हम स्टोर करते हैं, ये हमने स्टूडेंट फर्स्ट को स्टोर किया, स्टूडेंट स्टूडेंट सेकेंड को स्टोर किया एंड स्टूडेंट थर्ड को स्टोर किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इन तीनों को ग्रीट करना है, या हेलो नंदिनी गुड आफ्टरनून, या हेलो साफिया गुड आफ्टरनून, या हेलो विजय गुड आफ्टरनून, ऐसा मुझे सभी को ग्रीट करना है, तो मुझे एक लूप चलाना होगा। बट द कंडीशन इज यू हैव टू यूज द व्हाइल स्टेटमेंट। सो हाउ वी कैन यूज द व्हाइल स्टेटमेंट,
इन ऑर्डर टू यूज अ व्हाइल स्टेटमेंट इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी न किसी नंबर से. जनरली वो जीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि आपका जो लूप चलेगा वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आप चलाना चाहते हैं या डिक्रीमेंटल ऑर्डर में आप अपना लूप चलाना चाहते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो जनरली इंक्रीमेंटल ऑर्डर पर ही होता है, तो आई की वैल्यू जो भी आप इनिशियलाइज कर रहे हो वो बेटर है आप जीरो से ही करो. आप चाहें तो वन से भी कर सकते हैं, फाइव से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है. जनरली जीरो से आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद व्हाइल स्टेटमेंट आप यूज कीजिए, व्हाइल देन उसके बाद कंडीशन. तो कंडीशन आई लेस देन और इक्वल टू, अब यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगा, आई की लूप तब तक चलाना है जब तक आई की वैल्यू किसके इक्वल ना हो जाए या किससे इक्वल ना हो. क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं, थ्री स्टूडेंट्स. ग्रीटिंग कितनी बार करना है, तीन बार ग्रीट करना है, तीनों को अलग अलग ग्रीट करना है ना. तो लूप कितनी बार चलना चाहिए, थ्री टाइम्स चलना चाहिए. यह तो पहला तरीका है हार्ड कोडेड में थ्री लिख दूं, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कभी भी कोई चीज़ हार्ड कोडेड नहीं लिखी जाती है. ये सारी चीज़ें जो है डायनेमिकली आपको प्रोग्राम के थ्रू गेट करना पड़ता है. सो हमारे पास क्या, अगर मेरे पास स्टूडेंट एक लिस्ट है उसमें मेरे पास तीन चार पांच स्टूडेंट्स है या जितने भी स्टूडेंट्स है, क्या उसकी लेंथ में डायनेमिकली पता नहीं कर सकता हूँ क्या? कर सकते हैं, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं. तो हमारे पास लेंथ नाम का फंक्शन होता है LEN. इस फंक्शन के अंदर आप इस लिस्ट को सप्लाई कर दें, या आपने सप्लाई किया उसके बाद आप जो है एक कॉलन लगाना मत भूलना, ठीक है. तो जनरली यहाँ पर कॉलन आपको करना है, उसके बाद आपने कॉलन किया, फिर प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ करें और आप अपना मैसेज लिखें. और चूंकि आपको इस वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है, तो चार टेक्निक है, चार में से आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर ले, ये कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैं एफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टूडेंट को मैं हेलो, अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आएगा और यहाँ पर मैंने इनको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून. और यहाँ पर मेरे जो भी स्टूडेंट का नेम होगा वो मुझे यहाँ पर रेफर करना होगा. तो बताइए मैं कैसे रेफर कर सकता हूँ. फर्स्ट स्टूडेंट का नाम नंदिनी है, तो नंदिनी के नेम को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, पहले आप इंडेक्स नंबर के थ्रू. तो पहले आप मेन लिस्ट का नाम लिखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इंडेक्स नंबर. अब मुझे बताइए इंडेक्स नंबर कहाँ स्टोर्ड है, आई वेरिएबल के अंदर. तो यहाँ पर अपना आई वेरिएबल आप सप्लाई कर दें और ये आपको जो है, क्योंकि आई को जीरो से स्टार्ट किया है और इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आप अपना लूप चलाना चाहते हैं, तो उस आई की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद में. सो ये जैसे ही मेरा स्टेटमेंट खत्म हुआ उसके बाद में मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर. एक होता है प्लस प्लस आई, एक होता है प्लस प्लस आई, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है. और एक आप ये भी यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन भी लिख सकते हैं. तो जनरली ये भी इसी का नोटेशन है. तो ये तीन में से जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप लिख सकते हैं. तो चलिए इसको भी मैं कमेंट किया, इसको भी मैंने कमेंट किया, रन किया. और चूंकि ये हमारा विद इन ब्राउजर रिलेटेड आउटपुट आपको यहीं पर ही बता देगा, तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं. और इंडेंटेशन अनइंडेंट डज नॉट मैच टू द आउटर इंडेंटेशन, कुछ ना कुछ इंडेंटेशन का ये प्रॉब्लम बता रहा है. तो यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देते हैं, है ना, कमेंट किया, इसको रन किया, फिर से प्रॉब्लम. तो आप इसको हटाया, इंटर किया टैब, और यहां से भी आप जो है सॉरी इंडेंटेशन एरर, अनइंडेंट डज नॉट मैच टू द आउटर इंडेंटेशन लाइन नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो ये वाला हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सो यहाँ पर अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट यूज करूँ और इन सबको मैं हटा दूँ यहाँ से,
इंडेंटेशन एरर, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, सो यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज किया हुआ है और यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हो, उसमें डायरेक्ट प्रिंट करके भी देखता हूँ, ठीक है. सो यहाँ से मैंने डायरेक्ट प्रिंट किया, टैप दिया और स्टूडेंट्स देन रन. इंडेंटेशन एरर डज नॉट लेवल टू दी लाइन नंबर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पर इसको इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ये मैंने इसको हटाया. अगेन इंडेंटेशन की प्रॉब्लम. सो कॉपी किया, इस प्रोग्राम को आप रन करें, इसको देखते हैं, ये भी ऐसा ही दिक्कत दे रहा है क्या. ये आ गया, तो हमारे पास प्रीवियस प्रोग्राम में क्या दिक्कत थी. सो यहाँ पर ठीक है, ऑलमोस्ट इंडेंटेशन का प्रॉब्लम लग रहा है. अब यहाँ पर इन्हीं को चेंज कर देते हैं. नंदनी ये किया, साफिया एंड ये मैंने रन किया. व्हाइल लूप के थ्रू देखिए अब क्या इशू है. तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए. आ गया, आ गया. अब इनको ग्रीट करना है, इनको ग्रीट करना है, तो इनको ग्रीट कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग से. सो यहाँ पर इसको डबल कोट्स में ले लिया, एफ स्ट्रिंग यूज किया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, लगा सकते हैं. तो दिस इज अ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टेक्निक. अब देखते हैं क्या कोई प्रॉब्लम. यस, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं हेलो, ये जो नेम आ जाएगा एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो ये मैंने सेव किया. सेव करने का कुछ नहीं है, जस्ट हेलो नंदिनी, गुड आफ्टरनून, हेलो साफिया, गुड आफ्टरनून, हेलो विजय, गुड आफ्टरनून. तो ऐसा हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है. वो प्रीवियस में इंडेंटेशन का क्या इशू आ रहा था वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट मेजर कॉन्सेप्ट यही है. अब यहाँ पर मैंने एफ स्ट्रिंग यूज किया, अब इस एफ स्ट्रिंग की बजाय इसको कट किया, इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए. एफ स्ट्रिंग यूज नहीं करना है और आपको डायरेक्टली करना है, तो आप स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं. स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी करना है, ये मैंने किया. स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, स्ट्रिंग से किसी भी वेरिएबल को, तो प्लस. तो प्लस इज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर. सो प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर. ये जनरली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस आपका क्या होता है, सेम होता है. हाँ, पीएचपी के अंदर डॉट कॉन्कैटिनेशन होता है, कॉन्कैटिनेशन. बाकी मोस्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर और हाँ सी सी प्लस प्लस के अंदर जो भी है आपका, ये प्लस ही होता है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट के. जावा में क्या होता है, जावा में भी प्लस ही होता है ना. तो अधिकतर मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस ऑपरेटर जो है वो कंकैटिनेशन के लिए. तो यहाँ पर भी मैं ये यूज किया हुआ, इसको मैं रन किया और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है. अभी आउटपुट आ रहा है, हेलो के बाद स्पेस दिया, सेव किया. तो इस बार मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज नहीं किया. स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कब कहते हैं, जब आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल को रखते हो और उसका आउटपुट आपको देखना है, तो वो कहलाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जिसकी चार टेक्निक्स मैं आपको बता चुका हूँ.
एव स्ट्रिंग है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है और दो तीन चार टेक्निक्स और हैं बेसिकली, तो वो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है इस केस में बताइए, क्या ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है और या फिर जस्ट आपने स्ट्रिंग को ब्रेक करके कंकैटिनेट करवा रहे हैं, कंकैटिनेट करवा रहे हैं, स्ट्रिंग को आपने ब्रेक किया और उसको कंकैटिनेट करके अपना मैसेज आउटपुट ला रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज नहीं करना है तो स्ट्रिंग को तोड़ो, बीच में अपना वेरिएबल रखो, कंकैटिनेट करवाओ और अपना मैसेज प्रिंट करवाओ, तो ऐसे आप भी इसको कर सकते हैं। सो यस वी कैन इटरेट ओवर ओवर अ लिस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉरिन स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ व्हाइल स्ट्रक्चर, यस वी कैन इटरेट। तो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल कोड्स हैं उसको आप प्रैक्टिकल करें, समझें और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यस लिस्ट के ऊपर, अच्छा लिस्ट की पहचान कैसे करोगे? वेन एवर यू सी अ स्क्वायर ब्रैकेट इन अ पाइथन प्रोग्राम इमीजिएटली कॉल्ड इट इज अ लिस्ट। वेन एवर यू सी अ पैरेंथेसिस इन अ पाइथन प्रोग्राम इमीजिएटली कॉल्ड इट इज अ टपल। Whenever you see a curly braces containing some values like a comma b comma c or anything, whenever you see a curly braces which contains some values separated by comma, immediately call that this is a set. Whenever you see a curly braces where you see some property colon value structure like anything property colon value structure, so like name is equal to Nandini, like comma like surname colon like whatever the surname is, for example Singh. So whenever you see a curly braces and the data which you see in the curly braces format is separated by key colon value format separated by comma, then immediately call this is a dictionary. So there is a similarity between set and dictionary, but the main difference is that the set's values are stored and separated by comma. They are separated by comma, they don't contain a key value format. If you see a curly braces where you see the values in a pair of key colon value, then immediately call this is nothing but a dictionary. So these are some basic or most essential data structure of Python. So aapko Python ke andar jo agar data structure ki baat kare to sabse important data structure ye hai, इसमें से लिस्ट सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा डिक्शनरी। सो डिक्शनरी लिस्ट टपल एंड सेट्स। सेट्स इतना ज्यादा यूज में नहीं आता है, टपल यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो लिस्ट और डिक्शनरी का होता है। सो लूप का हो गया, लूप यूजिंग लूप कॉम्प्रेहेंसिव, ये आप देखना इसको। और यहाँ से सॉर्टिंग अगर हम देखें, सॉर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो सॉर्ट लिस्ट अल्फाबेटिकली। तो अगर आपको पाइथन के अंदर सॉर्टिंग दे दिया जाए तो सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम। In your theoretical subject, there is a subject called data structure. And I'm sure you, all of you have studied the sorting techniques. So, data structure, sorting, algorithm. These are called algorithm. So, there are many sorting algorithms which you can use to sort the data. Whether you want to sort the data alphabetically in ascending order or alphabetically descending order or numbers in ascending order or numbers in descending order. So there are many algorithms to achieve the same result. आपको ascending order में करना है तो ascending order में करने के लिए बहुत सारी algorithms हमारे पास available है data structure में। There are many algorithms like selection sort, bubble sort, recursive bubble sort,
इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट्स, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, देर आर मेनी एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल, बट आउट ऑफ दिस एल्गोरिदम्स देर आर सम बेसिक मेथड्स आर प्री रिटन बाय पाइथन डेवलपर्स, क्योंकि सबको पता है, पाइथन डेवलपर्स को भी पता है कि हाँ सॉर्टिंग करने का जो प्रॉब्लम है वो हर डेवलपर के लिए आना ही है. तो पाइथन डेवलपर्स ने आपके लिए, डेवलपर्स के लिए ऑलरेडी वैसी मेथड्स बना के रख दी. आपको आपको ये एल्गोरिदम्स यूज करके वापस से आपको वो एल्गोरिदम्स इन्वेंट करने की जरूरत नहीं. जैसे बोलते ना कि डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, पहिए का आविष्कार हो चुका है तो वापिस से मेहनत मत करो, आप अपने सिर्फ काम पे फोकस करो और अपना एग्जीक्यूशन करें. बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, कि सॉर्टिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व कर दिया गया है और आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्या दे दी गई है, रेडीमेड मेथड्स दे दी गई हैं. आपको सिर्फ क्या करना है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, उन रेडीमेड मेथड्स को यूज करना है. आपको डेटा सॉर्ट करने के लिए बोला है, यस वी कैन डू इट, यूज इट, यूज द रेडीमेड मेथड. सो लेट्स सॉर्ट सम डेटा. सो गो टू द सॉर्टिंग लिस्ट एंड गो हियर, ट्राई इट योरसेल्फ, यू विल सी देर आर सम डेटा, देर आर सम फ्रूट्स नेम. In the program, you can see they are arranged in a non, they are not arranged in any alphabetical order. You can see that O is stored, O, O for orange. Orange is stored at the index 1 and I will store apple at the last. Apple at the last. If I want to sort this fruit name according to the alphabetical ascending order, then the apple should be appeared at the first of the list. So there is a ready-made method in Python called sort. This method internally use which technique, because there are many techniques to arrange the elements. In data structure, there are more than 12 to 15 algorithms are available, but you don't have to care about which algorithms is used by sort method. You don't have to care about, you only have to call the method. But apart from, if you want to know more about the sorting algorithm, you can try and you can investigate that what among 12, 15 different algorithms, which method is used, you can research. But most of the difficult part is solved by the Python developer. You just have to use the sort method. The sort method will arrange the data in alphabetical ascending order. It means that the apple will appear at the first. So apple, you have written apple at the last of the element. Now try to run the program one more time. You will see the apple will be the first element. Right, A, B, B, B for banana, B is the second element of alphabetical order. So you can see that A, A for apple, B, B for banana, K, mango, O, orange, and P for pineapple. So these fruit names are arranged in alphabetical ascending order or descending order? Ascending order, because they are arranged from A to Z, not Z to A. So if you want to arrange a fruit's name from in a descending order, then what shall you will do? You will pass a keyword argument. Now this is called arguments, but whenever you pass an argument in a term of key is equal to value, that will called as a keyword argument. जब भी आप फंक्शन कॉलिंग के अंदर कोई भी पैरामीटर पास करते हो तो वो आप दो तरीके से पास कर सकते हो, की इज इक्वल टू वैल्यू के पेयर में या डायरेक्ट वैल्यू के पेयर. अगर की इज इक्वल टू वैल्यू के पेयर में अगर आप पास कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. सो इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यू हैव टू पास अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इज द रिवर्स, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू इज अ बूलियन वैल्यू. That should be true. So reverse equals to true. This keyword argument has to be passed inside sort function or sort method.
So this is a keyword argument you have to supply only if you want to arrange the fruit's name in descending order. So let's see now. Now I want to change a program a little bit. So apple I will place among in between mango and kiwi. I will place the apple fruit here and I will run the program one more time. You will see the apple will be the last element of this particular list. Now you can see this is arranged in alphabetically descending order, right? Now what about if I pass reverse equals to false? This will behave just like sort function without any argument. So let's see the result of this program as well. So now try to run the program. Yeah, apple is the first element, B for banana, banana is the second element. Now we can confirm that these fruit names are arranged in alphabetical ascending order. Okay, so yes, in Python, we can sort the elements of a list. We have a ready-made methods. क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में बोला जाएगा कि आप इसको सॉर्ट कीजिए. Yes, we can sort it. Sir, we have a ready-made method. Why should I write my own method? हम क्यों लिखें जब हमारे पास ऑलरेडी मेथड्स है. मगर कई बार जो है इंटरव्यूअर अपनी कॉलर जो इंटरव्यूअर होता है वो अपनी कॉलर हमेशा ऊंची रखता है. डेफिनेटली कहने का मतलब है कि वो आपको घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जिसका आप जवाब नहीं दे पाए. तो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आसान तरीके से भी निकाला जाता है और उसी का घुमा फिरा के भी वो ही निकाला जा सकता है. तो कई बार इंटरव्यूज में घुमा फिरा के आपको पूछेंगे कि ये नहीं यूज करना है कि नहीं. पर्पस रेडीमेड मेथड से तो हम कैसे क्यों यूज करें उसको जो हमारे पास अवेलेबल. बट ठीक है, वो उस हिसाब से भी कभी आपसे पूछे तो जितना ज्यादा आप इन डेप्थ में जाएंगे तो वो बेनिफिट ही होता. ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यूअर से बहस करने लग जाएं कि नहीं हमें तो सॉर्टिंग है फिर काय को करें. ऐसा नहीं है. बट हाँ, अगर आप रेडीमेड मेथड भी बता रहे हो कि यस वी हैव द रेडीमेड मेथड एंड यस वी कैन राइट अवर ओन मेथड, दैट विल बी एन एडवांटेज आपके इंटरव्यू के लिए. और एडवांटेज हो जाएगा कि नहीं यार इसको बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर है और कस्टम इसको कुछ और करने के लिए भी दे देंगे तो भी इसका लॉजिकल ब्रेन उतना एक्टिव है और कर पा रहा है. तो यस आई एग्री कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ ना कुछ टास्क दिए जाने चाहिए और आपको करना चाहिए. सो यहाँ पर क्या लिस्ट के एलिमेंट्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं? यस वी हैव अ रेडीमेड मेथड सॉर्ट. सो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग किया जा सकता है? यस सॉर्ट मेथड से हम कर सकते हैं. सॉर्ट मेथड में अगर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर. सॉर्ट मेथड में अगर मैंने रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया फिर भी असेंडिंग ऑर्डर में, और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दिया दैट इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो वो क्या करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा. और वॉट अबाउट अगर आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर आपने नेम्स स्टोर नहीं किए, आपने तो अपने पाइथन एग्जाम के मार्क्स स्टोर किए. 100 आए नंदिनी के, 50 आए साफिया के, विजय के 65, ऐसे कुछ मार्क्स आपके आए. तो जो डेटा स्टोर्ड है लिस्ट के अंदर दैट इज नॉट अ स्ट्रिंग बट दीज आर नंबर्स, दीज आर इंटीजर्स. कैन वी सॉर्ट दिस इंटीजर वैल्यूज एज वेल विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट मेथड? यस वी कैन. सो the effect of the output will be the same. If you use the sort function, this will arrange the data in ascending order. Let's see the output, which is the minimum value you can see here is the 23 and which is the maximum is the 100. You can see 23, 50, 65, 82 and 100. Yes, this confirms that the data is sorted in ascending order. Now let's pass a keyword argument called reverse. Reverse is equal to true. Reverse equals to true. Can I write true in small letter? No. In Python, Boolean values always start with capital T or small f. False, it should be capital F. And if it is a true, then the T should be capital. So this is a Boolean value. Small true is not a Boolean value. But true whose T start with a capital, this value is a Boolean value.
सो ट्रू और फॉल्स जो है पाइथन के अंदर स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको ट्रू लिखना है तो टी कैपिटल ही होना चाहिए, उसी को आप बुलियन वैल्यू बोलोगे. स्मॉल स्मॉल लेटर्स में अगर ट्रू लिखा हुआ है दैट इज नॉट अ बुलियन वैल्यू, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब मैंने रिवर्स किया इसको और इसको मैं अरेंज करूंगा तो आप देखिएगा मैक्सिमम नंबर जो है 100 पहले आ जाएगा, 182, 65, 50 एंड 23. अब रिवर्स में यहां पर मैं अगेन फॉल्स लिखूं, कर सकता हूं? Yes. क्या गड़बड़ है? फॉल्स का एफ सर आपने स्मॉल में लिखा, क्या ये एक्सेप्टेबल है? लेट्स सी द आउटपुट. विल पाइथन एक्सेप्ट अ बुलियन वैल्यू विथ स्मॉल लेटर फॉल्स? नो, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर. द फर्स्ट लेटर ऑफ बुलियन वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स शुड बी कैपिटल. सो इफ यू वॉन्ट टू सप्लाई द फॉल्स वैल्यू एफ शुड बी इन अपर केस. नाउ सी द रिजल्ट वन मोर टाइम. यस, क्लियर है? सो हम लिस्ट पर सॉर्ट कर सकते हैं. तो सॉर्टिंग डिसेंडिंग हो गया, सॉर्टिंग ये हो गया, कस्टमाइजिंग सॉर्ट फंक्शन. सो कस्टमाइज सॉर्ट फंक्शन. यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज योर ओन फंक्शन बाई यूजिंग कीवर्ड की इज इक्वल टू फंक्शन. सो यहां पर हम इसको जो है सॉर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास जो है किसी तरीके से आपको अगर कस्टमाइज करना पड़ जाए तो भी आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये सारे वैल्यूज जो है, एबीएस क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू. वेरी गुड. सो नेगेटिव 10 का एबीएस अगर निकालूं तो कितना होगा? कितना होगा अभी? 10. वेरी गुड. क्योंकि एबीएस क्या करता है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. तो अगर एब्सोल्यूट फंक्शन का क्या फंडा होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर आप नॉन नेगेटिव वैल्यू दोगे तो उसको वो क्या बना देगा? इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू आप बना देगा. तो लेट सी द आउटपुट ऑफ द एबीएस फंक्शन. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द एबीएस फंक्शन. सो एबीएस फंक्शन इन पाइथन, और ये एबीएस फंक्शन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, ऐसा नहीं है पाइथन में ही है. जहां जहां मैथ्स की लाइब्रेरी है, और मैथ्स की लाइब्रेरी जो मैथ की लाइब्रेरी है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है. जावा में मिलेगी, पीएचपी में मिलेगी, .NET में मिलेगी, आपको नोड जेएस में मिलेगी, आपको दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब जगह आपको क्या मिलेगी. इवन आपका सी, सी प्लस प्लस, सब जगह आपको कौन सी लाइब्रेरी मिलेगी? डेडिकेटेड मैथ की लाइब्रेरी मिलेगी. तो वो जो मैथ की लाइब्रेरी है उसका एक फंक्शन है. जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन होने चाहिए. जैसे साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, या फिर आपको एब्सोल्यूट निकालना है, पाई वैल्यू निकालना है, या कोई सा भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल फंक्शंस की लाइब्रेरी होनी चाहिए, और हर प्रोग्रामिंग के अंदर वो लाइब्रेरी अवेलेबल होती है. तो जनरली उस लाइब्रेरी को मैथ लाइब्रेरी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैथ लाइब्रेरी. एंड उस मैथ लाइब्रेरी के अंदर एक एबीएस फंक्शन भी होता है, जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन. पर ये एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? ये नॉन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. सिंपल सी बात है. सो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको. ट्राइड यूर सेल्फ में गए, कुछ नहीं किया, सबको हटाया, प्रिंट में गए, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? एबीएस फंक्शन को कॉल करवाया, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया नेगेटिव 50. मैंने पास क्या किया एबीएस फंक्शन के अंदर? नेगेटिव 50. लेट सी द आउटपुट ऑफ दिस स्मॉल प्रोग्राम. व्हाट पाइथन विल डू, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट एब्सोल्यूट फंक्शन will convert a non-negative number to the equivalent positive number. मैंने negative 50 पास किया तो उसने मुझे क्या दे दिया? positive 50. negative का कुछ भी दे हो वो आपको दे देगा positive का equivalent number दे देगा. negative 99 दिया तो आपको क्या दे देगा? वो positive 99 दे देगा. ये positive 99 दिया. तो इस तरीके से जो है आप ये work कर सकते हो. तो यहाँ पर अगर कभी आपको sort function को अगर कस्टमाइज करना पड़ जाए तो उसके लिए भी पाइथन डेवलपर ने डेवलपर के लिए आपके लिए टेक्निक्स दे रखी है जिसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं. तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? 100 में से माइनस किया 50 में से 50 माइनस किया, सॉरी, और सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में. तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? एबीएस कर रहा है. ये एन आया,
फंक्शन द फर्स्ट वैल्यू की इज इक्वल टू वैल्यू. सो की इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड वैल्यू इज अ फंक्शन सॉर्ट इज अ की. सो असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर किया 100, 50, 65, 23. तो ये फंक्शन क्या कर रहा है यहां पर, द फंक्शन विल रिटर्न अ नंबर दैट विल बी यूज टू सॉर्ट द लिस्ट. सॉर्ट द लिस्ट बेस्ड ऑन हाउ क्लोज द नंबर इज टू 50. सो यस दिस इज द प्रॉब्लम. तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम दे दिया जाए कि आपको उसके हिसाब से सॉर्ट करना है जो 50 के क्लोज है, तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट देखें तो सबसे सबसे क्लोज 50 के कौन है, 50 खुद. उसके बाद 50 के नज़दीकी 50 के कौन है, 65 सबसे करीबी. जो सबसे करीबी तो वही हो गया कौन, 50 के पास में कौन है भाई, 50 ही है सर. उसके बाद कौन है, उसके बाद 65 है. सबसे दूर कौन है 50 से, 100. तो यहाँ पर प्रोग्राम ऐसा ही है कि आपको सॉर्टिंग तो करना है मगर उसको कुछ एडिशनल कस्टमाइजेशन चाहिए, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं. देन आप उसको एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ना. तो ये रिटर्न कर रहा है, ये माई फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ये यहाँ सप्लाई हो जाएगा एंड देन वो सॉर्ट करेगा बेसिकली. ठीक है, तो कस्टमाइज सॉर्ट है, केस इनसेंसिटिव सॉर्ट. बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मेथड इज केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मींस स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, स्मॉल बी इज नॉट इक्वल टू कैपिटल बी. सो दिस इज कॉल्ड केस इनसेंसिटिव, सॉरी केस सेंसिटिव. सो यहां पर हम गए, यहां पर पहले इस डेफिनेशन का, इस वर्ड का मतलब समझ जाओ. केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या हो गया और केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, दो वर्ड्स हैं हमारे पास. पहले समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है. केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया, केस, और दो ही केस है, अपर केस और लोअर केस. एक छोटी वाली एबीसीडी और बड़ी वाली एबीसीडी. सो अगर केस सेंसिटिव है इसका मतलब स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए, सो दिस इज अ केस सेंसिटिव. बट इन केस इनसेंसिटिव आप क्या बोल सकते हो कि स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए. छोटी एबीसीडी हो चाहे बड़ी एबीसीडी हो बराबर ही है. अगर ऐसा अगर हो रहा है तो उसको केस इनसेंसिटिव बोलेंगे. कि केस का कोई मतलब ही नहीं है, अपर केस लोअर केस का कोई मतलब ही नहीं है. ए आ रहा है चाहे कैपिटल में आओ चाहे स्मॉल में आए, ए मतलब ए. और केस सेंसिटिव में यस दोनों के केस अलग है, अपर केस अलग है, ये अपर केस है और ये लोअर केस. तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे केस सेंसिटिव सिचुएशन. क्लियर हुआ? सो यहाँ पर केस इनसेंसिटिव सॉर्ट. तो यहाँ पर केस इनसेंसिटिव सॉर्टिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट द सॉर्ट मेथड इज अ केस सेंसिटिव, है ना. डिफॉल्ट मतलब जो डिफॉल्ट वे में सॉर्ट मेथड केस सेंसिटिव है, रिजल्टिंग ऑल कैपिटल लेटर्स बीइंग सॉर्टेड बिफोर द लोअर लेटर्स. तो resulting all capital letters being sorted before the lower capital. So यहां पर हम देखें B, first letter O, K and C. तो यहां पर जैसे ही मैंने sort किया, हाँ कृष्णपाल, तो अभी कहाँ ऑफिस हो कहाँ, तो वहीं ऑफिस पे ही आके कर लो ना, कोई ऐसा भी प्रेशर तो है नहीं. थोड़ा थोड़ा आप वहां पर घुसते हुए करते रहना. नहीं 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 कोई, हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस पहुंचो और कोई प्रेशर नहीं है. बट धीरे धीरे बनाओ, सीखो, पूछो, सीनियर्स हैं, हेल्प ले, पूछो, करो ना. ठीक ठीक So, यहां पर आप देखिए सॉर्ट कर रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और केस सेंसिटिव है बाय डिफॉल्ट. तो ये
यहाँ पर देखिए KOB, अब ASCII ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसका टेक्निकल आप तभी बता पाओगे जब आपको इंटरनली में ASCII टेबल, ASCII टेबल कैरेक्टर्स, ये जरूरी नहीं, पाइथन भी किससे बना हुआ है, सी से ही बना हुआ है, पता हर चीज कहां से निकल के आ रही है, सी से ही निकल के आ रही है। तो सी के अंदर अगर आपने ASCII टेबल सी के अंदर है, मतलब सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर पढ़े हुए कॉन्सेप्ट आपको जीवन भर काम आने वाले हैं। सी जिसने अच्छा पढ़ लिया उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे से आगे तक कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इमेजेस बताना चाहूंगा, और ये मेरे पास रही ASCII टेबल, थोड़ी सी बड़ी फॉन्ट साइज में ले लेते हैं, ताकि साइज में ले लिया मैंने लार्ज साइज, ये वाली ली, अब देखो ये ASCII टेबल है, यहां पर कैपिटल ABCD कहाँ से चालू हो रही है, 65 से, कैपिटल Z कहाँ खत्म हो रहा है, 90 पर। तो एक तो ये देखना, उसके बाद स्मॉल ए कहाँ से चालू हो रहा है, 97 से चालू हो रहा है, स्मॉल Z कहाँ खत्म हो रहा है, 122 पर। तो नंबर्स के हिसाब से देखें तो कैपिटल ABCD पहले सॉर्ट होनी चाहिए, कैपिटल ABCD का पहले सॉर्टिंग का लॉजिकली क्या मतलब निकल रहा है, क्योंकि उसकी ASCII वैल्यू कम है, तो ASCII वैल्यू कैपिटल ABCD की कहां से चल रही है, 65 से 90 तक, और स्मॉल ABCD की चल रही है 97 से 122 तक। तो अगर नंबर वाइज भी मैं अरेंज करूं तो कैपिटल ABCD पहले अरेंज होनी चाहिए कि स्मॉल ABCD पहले अरेंज होनी चाहिए, पहले कैपिटल अरेंज होनी चाहिए। तो यहां पर जो पाइथन के प्रोग्राम में ये यहाँ पर ये कर रहा है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले अरेंज किसको करेगा, वो पहले कैपिटल ABCD का अरेंजमेंट करेगा, उसके बाद स्मॉल ABCD का अरेंजमेंट करेगा। ये इंटरनली ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ ASCII टेबल, क्लियर है, ये सारा इंटरनल है, ये इनडेप्थ नॉलेज है आपको, जब ज्यादा डिटेलिंग में आप जाओगे तो वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है वो आपको ASCII टेबल से पता चले, क्योंकि हर कैरेक्टर जो स्टोर होता है, हर कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू होता है, वो तो इंटरनल होता है, इस हिसाब से वो एल्गोरिदम्स जो बनी हुई है इंटरनली क्या यूज कर रही है, वो ASCII वैल्यूज यूज कर रही है। तो उनको जैसे अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो पहले कैपिटल ABCD को अरेंज करेगा, फिर स्मॉल अल्फाबेट्स को अरेंज करेगा। सो यहाँ पर यही हो रहा है, क्लियर है। सो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मेथड इज केस सेंसिटिव, रिजल्टिंग ऑल कैपिटल लिंक बीइंग सॉर्टेड बिफोर, यस। तो यहां पर ये तो बोल दिया कि कैपिटल ABCD पहले सॉर्ट होगा, स्मॉल ABCD से पहले सॉर्ट कैपिटल ABCD होगा, मगर यहां पर वो बताया नहीं गया है कि भाई ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दी ASCII टेबल, क्लियर है। सो यहाँ पर पहले कैपिटल लेटर्स जो हैं, कैपिटल लेटर्स पहले अरेंज होंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर्स अरेंज होंगे, और ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब इंटरव्यू में आपको ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए विथ अरेंजमेंट्स, आप सही तभी उसमें आप सिलेक्ट कर पाओगे, या सही आप आंसर तभी बता पाओगे जब आपका थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या आपने प्रैक्टिकल भी कर रखा हो, आपको उसका बिहेवियर पता होगा किसका, सॉर्ट फंक्शन का। तो जितना ज्यादा आपको डिटेलिंग किसी भी फंक्शन के बारे में आप रख सको, याद रख सको, और वो तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूअस चीजों को प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करते रहें। तो आपके पास ऐसा प्रोग्राम आ गया, चार ऑप्शंस आ गए, चारों की सॉर्टिंग दे दी है, और आप सही तरीके से तभी बता पाओगे जब, अब इसमें देखा जाए तो मुझे इतनी बात पता रह गई कि सॉर्ट फंक्शन में पहला जो होता है वो कैपिटल लेटर्स को पहली प्रायोरिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि ASCII वैल्यू जो है 67 कहाँ से चालू हो रही है, 65 से, तो यस, तो कैपिटल लेटर्स का प्रायोरिटी ये होगा। सो ABCD EFGHIJK, सो K इज फर्स्ट, LMNO O, वो बाद में आ रहा है, तो के पहले अरेंज होगा, कैपिटल के पहले अरेंज होगा, फिर कैपिटल ओ अरेंज होगा, उसके
देन स्मॉल लेटर्स का नंबर आएगा। अब स्मॉल लेटर्स में पहले बी है और सी है, तो बी पहले आ रहा है सी बाद में आ रहा है, तो उनका अरेंजमेंट भी ऐसा होगा। तो आप तुरंत जो चार ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आप टिक चूज कर लोगे कि यस दिस इज द आउटपुट। और यही जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आधी भीड़ तो जो कंपटीशन में आती ना, आधे तो वहीं छटनी हो जाती कि भाई वो वहीं से हो जाती छटनी, तो यार ये क्योंकि तो वो ऐसे तो हर हर स्टार्टिंग में हर एक का मशीन टेस्ट ले ले ऐसा तो नहीं है ना, पहले छटनी करनी पड़ती है। इंटरव्यू के लिए गया, अब आए 50 लोग, 50 में से वो 30-40 तो ऐसे ही छटनी हो जाएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको 10-15 ऑब्जेक्टिव दे दिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा सही है इसका मतलब वो सही किया है, सही सोचा है उसने, तो 50 में से 40 स्टूडेंट तो वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। 10 जो बच्चे हैं यस का थ्योरेटिकल एचआर जीडी टेक्निकल जो भी होना है वो ऐसे क्रैक कर देंगे। तो बगैर पढ़े बगैर प्रैक्टिकल किए हुए आप कैसे मतलब एग्जाम्स को या इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल ले और इम्प्लीमेंट करो। रिवर्स ऑर्डर में क्या है, What if you want to reverse the order of all lists regardless of alphabets? Reverse order में आपको करना है, reverse order में क्या हो रहा है, कोडिंग में सोर्स कोड में जैसा लिखा था उसका जस्ट उल्टा चाहिए। डजंट मैटर उनका रियल ऑर्डर क्या होता है, जो डाटा स्ट्रक्चर में दिया, देखो बनाना मैंने पहले लिखा तो इधर बनाना किधर आ रहा है, सबसे लास्ट में। चेरी सबसे लास्ट में लिखा था, इधर चेरी फर्स्ट में आ रहा है। ऑरेंज फर्स्ट में है, फर्स्ट सेकंड में है, इधर ये सेकंड लास्ट में है, ये थर्ड पे आ रहा है तो ये सेकंड पे आ रहा है, तो जो उसका जस्ट रिवर्स करना, जो सोर्स कोड में जो आपने पैटर्न है उसी का आउटपुट में अगर रिवर्स करना है तो आप डायरेक्टली रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते है ना। तो ऐसे ऐसे आपको आउटपुट देखने हैं और यस ये सॉर्टिंग कंप्लीट। ठीक है, तो आप एक बार सॉर्टिंग का आज सॉर्टिंग का लिस्ट पर सॉर्टिंग अच्छी तरीके से देखिए, ऑनलाइन एडिटर पे लिखिए, प्रॉम्प्ट बनाइए, मैनुअल अचीव कीजिए।